नमस्ते दोस्तों, आज मैं कैलेंडर संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए एक ऐसी ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूं जिसका प्रयोग करके आप परीक्षा हाल में कैलेंडर संबंधी प्रश्नों को अपनी उंगलियों पर हल कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत यह करनी पड़ेगी कि आपको माह के कोड और सदी के कोड, केवल यही दो चीज याद करना पड़ेगा। उसके बाद अपनी उंगलियों पर आप परीक्षा हाल में प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो जाएंगे, और ये याद करना बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे, ये क्रमशः माह के कोड लिखे हुए हैं, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए 0 33 और लास्ट में है 0 35, यानी 3 3 और इसमें 2 बढ़ा के याद कर लीजिएगा 35। उसी तरह से ये बीच में 614 यानी 1 4 और फिर 625 यानी 1 4, तो इसमें 1 बढ़ा के 2 और इसमें 1 बढ़ा के 5। जब आप जीके के बड़े बड़े प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो ये क्या चीज है, 0 33 लास्ट में 0 35 फिर बीच में 614 625। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, इसे सुबह में 10 बार, दोपहर में 10 बार और रात में सोने से पहले 10 बार याद करिए। फिर अगले दिन सुबह में 5 बार, दोपहर में 5 बार और रात में 5 बार सोने से पहले याद करिए। फिर तीसरे दिन जब सुबह उठिए तो सुबह में 2 बार, दोपहर में 2 बार और रात में 2 बार याद कर लीजिए, आपको हमेशा हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। और सदी का कोड तो याद करना उससे भी आसान है। देखिए क्रमशः है 6 4 2 0, यानी 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 2 में से 2 घटाएंगे 0। बस आपको ये याद रखना है कि हमको शुरुआत 6 से करना है, यानी 8 से या 10 से शुरुआत नहीं करना है, यानी ऐसे से शुरुआत करना है कि 2 घटाते घटाते चौथे नंबर पे 0 आ जाए। बस ये याद रखना है कि हमें शुरुआत 6 से करना है। तो देखिए इसको उंगलियों पर कैसे याद करेंगे। देखिए पहले हम देखते हैं माह का कोड उंगलियों पर कैसे याद रखेंगे। देखिए जनवरी ये पोरों पे 3 3 पे याद रखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। उसके बाद इसी पे अंकों को याद कर लीजिएगा, कैसे, तो 0 3 3 यानी 0 33, फिर 0 3 5 यानी 0 35, फिर 6 1 4 यानी 614, फिर 6 2 5 यानी 625, यानी 0 3 3 6 1 4 625 और उसके बाद 0 3 5। इसको आप जब भी सुबह, दोपहर, शाम रटने का जो मैंने तरीका बताया है अपनी उंगलियों पर ही रटिएगा ऐसे ऐसे करके, और जब ये याद हो जाएगा तो परीक्षा में हल करना इसको बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसको कैसे याद करेंगे उंगलियों पे, तो इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि पहली जो सबसे छोटी उंगली है उस पे 16 है, देखिए मैंने लिखा हुआ है याद रखने के लिए, इस पे 16 है, बस इतना ही याद रखिए, बाकी आपको ऑटोमेटिक याद आएगा। इस पे 16 है और उसके बाद देखिए उंगलियां बढ़ती चली जा रही है, 16 के बाद थोड़ी सी बड़ी उंगली, फिर थोड़ी सी बड़ी उंगली, ऐसे है। तो ये याद दिलाने के लिए मैं बता रहा हूं कि बड़ी उंगली की तरफ यानी कि आपको संख्या बढ़ाना है, छोटी से बड़ी उंगली की तरफ यानी आपको संख्या बढ़ाना है, यानी इसपे बस 16 याद रखिए, उस पर बड़ी उंगली की तरफ बढ़िए 16 17 18 19, केवल 4 उंगली इसमें लेना है, 16 17 18 19, फिर वापस आ जाइए 20 21 22 23, फिर वापस आ जाइए 24 25 26 27, और इस तरह चाहे तो आगे जितना भी बढ़ते जाइए। बाई चांस आपको 16 से कम की जरूरत पड़ गई, यानी 1400 कुछ का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप उल्टा कैसे और कम का कैसे बताएंगे, तो पहले आप 16 19 की तरफ बढ़ जाइए, 16 17 18 19। अब मान लीजिए आपको 13 की जरूरत है, 1300 कुछ की, तो 16 17 18 19 पे बढ़ गए, आप अब उल्टी गिनती पढ़िए, 19 यहां पर है तो 18 17 16, ये याद रखिएगा, इस पे 16 जरूर आना चाहिए, 16 के बाद फिर इस पे 15 14 13 12 11 10 9 8, यानी उल्टा पढ़ते जाइए, यानी छोटी उंगली की तरफ बढ़िए तो घटते हुए क्रम में। और इसमें कुछ याद रखने वाले तथ्य ये है कि जब आपका आंसर 1 आए तो सोमवार, 2 आए तो मंगलवार, 3 आए तो बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार, 5 पे शुक्रवार, 6 पर शनिवार, और जब 7 या 0 आए तो
रविवार। और इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि आपको आपको पहले दिन में सोमवार से गिनना शुरू करना है। आपको अपनी गिनती एक पर सोमवार याद रखना है, बाकी तो ऑटोमेटिक वो याद आ जाएगा। और अगला चीज आपको ये याद रखना है कि जब लीप वर्ष रहे, जब लीप वर्ष रहे और माह जनवरी या फरवरी दिया रहे तो आपका टोटल जो रिजल्ट आएगा उसमें आप माइनस एक कर दीजिएगा। और तीसरी चीज कि ये हर कैलेंडर के प्रश्नों में होता है कि वर्ष में हम लोग लीप वर्ष ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ष में चार से भाग देंगे और भागफल लिख लेंगे, फिर टोटल जितना आएगा उसमें हम सात से भाग देंगे और शेषफल लिखेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में यह गलती हो जाती है कि जब हम चार से भाग देते हैं तो शेषफल लिख लेते हैं और सात से जब भाग देते हैं तो गलती से भागफल लिख लेते हैं। यह बहुत बड़ी गलती अनजाने में हो जाती है। इससे बचने का मैंने एक ट्रिक बनाया है कि 100 से 7 और 100 से शेषफल पर ध्यान दीजिए, 100 से 7, 100 से शेषफल पर ध्यान दीजिए, और जो बचा 4 तो जब 4 से भाग दीजिए तो भागफल पर ध्यान दीजिए। अब आइए एक प्रश्न लेकर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, बाद में मैं सेवन कटअप विधि के बारे में बताऊंगा। जैसे एक मैं प्रश्न लेता हूं, 15 अगस्त 1947 यानी जब हमारा देश आजाद हुआ था वो कौन सा दिन था, ये जीके में भी आप देखना चाहेंगे वो कौन सा दिन था तो पता चल जाएगा, इसलिए मैंने ये तिथि लिया है। तो इसको हम इस विधि से निकालने का प्रयास करते हैं अपनी उंगलियों पे। इसको आप एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उंगलियों पे आपका आंसर आएगा। तो 15 अगस्त याद रखिएगा, हमको कोड केवल माह का लिखना है और सदी का लिखना है। हमने कोड केवल माह का याद किया है और सदी का याद किया है, बाकी हमको वैसे का वैसा ही लिखना है, यानी माह का और सदी का। तो 15 को हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब आया अगस्त, तो उंगली पर देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी यहां पे अगस्त आया। तो अपना कोड देखिए, 0336 1462। जब हम याद कर लेंगे, जब आप भी याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये याद आएगा कि 0336 1462 यानी अगस्त का कोड आया हमारा 2, तो हम लोग 2 लिख लेंगे। अब सदी का भी कोड लिखना है, फिर उसी तरह से याद रखिए, छोटी उंगली 16 से शुरू करना है, तो 16 17 18 19, चौथी उंगली पर आया तो 6420 6420 यानी 0 कोड आया, 19 का मतलब कोड हुआ 0। अब 47 के लिए कोई कोड नहीं है, इसके और इसके लिए हमें कोई कोड नहीं लिखना है, केवल माह का कोड और सदी का कोड ही लिखना था। तो 47 को हम लोग वैसे को वैसे ही उतार लेंगे। अब लेकिन एक चीज यहां पे याद रखना है कि हमें 47 में लीप वर्ष ज्ञात करना है, यानी 4 से भाग देके भागफल हमको लिखना है, ये हमेशा याद रखिएगा। 4 से भाग देना है वर्ष में और भागफल लिखना है, यानी कैसे, तो 4 × 4 और फिर 7, तो 4 × 4। तो यहां पर हमको ध्यान नहीं ले जाना है, हमको हमेशा 4 से जब भी भाग देंगे भागफल, यानी यहां पे ध्यान ले जाना है, यानी भागफल आया 11। देखिए गलती से इसको मत जोड़ दीजिएगा, इसलिए इसको हम काट दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, और इसको भी हटा देते हैं। अब इसके बाद सबको जोड़ के 7 से भाग देना है, और इस पर ध्यान ले जाना, मैंने पहले भी बताया था शेषफल पर, सबको जोड़ के 7 से भाग देना और शेषफल पर ध्यान ले जाना है। तो कठिन न लगे इसके लिए आप चाहे तो इसको थोड़ा सा हल्का कर लीजिए, 7 × 14 और शेषफल 1, ये तो खुद ही छोटा है, और ये 7 × 6 = 42 और शेषफल 5, 7 × 7 = 8 9 10 11 यानी शेषफल 4। अब मैं आपको यहीं पे, यानी अब टोटल को जोड़ के 7 से फिर से भाग दे सकते हैं, लेकिन यहां पे मैं एक सेवन कटअप विधि की तरफ भी आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। यह विधि ये कहता है कि जब आप 7 को जोड़ने वाले हैं, सॉरी सबको जोड़ने वाले हैं और फिर 7 से कटाने वाले हैं,
तो प्रश्न को हल्का करने के लिए, आसान बनाने के लिए, सात या सात से जितना कम है उसको आप छोड़ते जाइए, और सात से जो सात के बाद जो बचता है उसको आप अपने पास रखते हुए आगे ले जाइए। जैसे यहां पे दो एक तीन और तीन पांच आठ, तो सात हम छोड़ देंगे और एक को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो एक और चार पांच, हमारा आंसर निकला पांच। तो हमारा हमको बस ये याद रखना है कि पहला दिन सोमवार था, तो एक को सोमवार, दो को मंगलवार, तीन को बुधवार, फिर चार को बृहस्पतिवार और पांच को शुक्रवार, तो हमारा आंसर आ गया शुक्रवार। फिर से देखिए, पंद्रह हमने क्या लिखा था, तो ये पंद्रह तारीख था। अगस्त का हमने कोड यहां से लिखा था छह, अगस्त का हमने मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का कोड हमने लिखा था यहां पे दो, और फिर 1900 का कोड हमने लिखा है ये जीरो, और 47 को वैसे का वैसे लिख के उसमें लीप वर्ष यानी चार से भाग देके यह 11, इसमें पूर्ण लीप वर्ष में जब हम चार से भाग देते हैं तो पूरा पूरा जितनी बार जाए उतना ही लिखते हैं, दशमलव में नहीं लेते हैं, तो 11। उसके बाद टोटल को जोड़ के सात से भाग दीजिए या सात से पहले भाग देके इसको हल्का कर लीजिए, फिर जोड़ के सात से भाग दीजिए, और उसके बाद हमारा आंसर आया शुक्रवार। एक प्रश्न और हम लेते हैं इससे संबंधित, ताकि आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए एक प्रश्न हम फिर लेते हैं, यादगार तिथि इस बार हम लेते हैं 26 जनवरी सन 2016। इसको आप अपने मोबाइल में भी बाद में चेक कर सकते हैं कि आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो देखिए कोड तो हमको केवल जनवरी का लिखना है और सन 2000, इन्हीं दो का लिखना है, इसका और इसका नहीं लिखना है, ये दिमाग में रखिएगा हमेशा। तो 26 को हम लोग 26 ही लिख देंगे, और जनवरी का कोड उंगलियों पर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो जनवरी पहले पर ही है, तो 033 था तो पहले पर है, यानी कि 0 इसका कोड हुआ है। अब दिया है 20 यानी कि 2000, इसमें हम नहीं देख रहे हैं, इससे हम कोड अपना नहीं निकालेंगे, इसका कोड 6 हम इस पे देख रहे हैं, 20 का निकालना है हमको, तो 16 17 18 19 20 इस पे आ गया, यानी कि 6420 6420 यानी पहले पर आया, यानी हमारा आंसर हुआ कोड हुआ 6। अब हमको क्या करना है, वर्ष लिखना है, तो वर्ष है 16। हाँ, इसमें लीप वर्ष निकालना नहीं भूलना है, यानी चार से भाग देके भागफल लिखना आप भूल सकते हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, चार चौके ऐसे आप बनाने की आदत रख लीजिए तो याद रहेगा, चार चौके 16 यानी कि 4, फिर आप इसको हटा दीजिए नहीं तो आप गलती से इसको भी जोड़ सकते हैं। अब इसको हम लोग पहले हल्का कर ले, सात से भाग देने से पहले 7 3 21 शेषफल 5, 7 2 14 शेषफल 2। अब 7 कटअप विधि से या टोटल जोड़ के सात से भाग दे लीजिए, 5 और 6 11 यानी 7 छोड़ देंगे तो 8 9 10 11 यानी शेषफल, यानी हम लोग 4 लेके आगे बढ़ेंगे, 4 2 6 और 6 4 10, फिर 7 हटा देंगे और 3 यानी हमारा आंसर आ जाएगा, या टोटल जोड़ लीजिए 6 5 11 12 13 और 13 4 17 17 आएगा, फिर 7 से भाग देंगे, 7 2 14 15 16 17 3 फिर भी शेष आएगा, तो 3 का मतलब पहला दिन जब याद रहेगा आपको सोमवार, तो सोमवार मंगलवार बुधवार यानी आपका आंसर आ जाएगा बुधवार। यहां पर एक बात बताना जरूरी है कि जैसा कि हमने बताया था कि जब लीप वर्ष हो और जनवरी या फरवरी में से एक हो, जैसा कि यहां पर है 16 4 से कट जाएगा, यानी कि ये 16 2016 लीप वर्ष है और यह जनवरी है, इसलिए हमारा जो अंतिम रिजल्ट 3 यानी बुधवार आया था इसमें हम -1 कर देंगे, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा मंगलवार। लीप वर्ष जानने का नियम आप लोग जानते होंगे कि सदी वर्ष में 400 से भाग देते हैं, अगर पूरा पूरा चला जाए तो लीप वर्ष, और अन्य वर्षों में 4 से भाग देते हैं पूरा पूरा चला जाए तो लीप वर्ष होता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक और इसको अन्य दोस्तों में भी शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।